डेटा तो गियो, मेरा डेटा गियो। अभी जो वीडियो बनाई थी ना वो सब खत्म बर्बाद। पर तुम क्यों डर रहे हो यार, क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे पास डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है, मैं सारी वीडियोस रिकवर कर सकता हूँ। और ये मैंने एक क्लिक करा और मेरी सारी वीडियोस रिकवर हो गई। क्या हुआ? ये बोल रहे होंगे ना पेड सॉफ्टवेयर होगा, पैसा देने पड़ेंगे। अरे भाई साहब फ्री है, फ्री में आप अपने फोटोज डॉक्यूमेंट्स वीडियोस वगैरह रिकवर कर सकते हो, करप्ट फाइल्स को रिपेयर कर सकते हो। सब कुछ जानना है ना तो आप बताता हूँ। वंडरशेयर रिकवरी को फ्री में डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, यहाँ पर आकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एक 4GB का माइक्रो SD कार्ड कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी है और मेरे कुछ फोटोज भी पड़े हैं और इसका साइज आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भरी हुई है। अब यहाँ पर मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा SD कार्ड का साइज देखोगे ना पूरा खाली हो चुका है, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। अब मैं इसको रिकवर करके दिखाता हूँ। मैंने वंडरशेयर रिकवरी खोल लिया, यहाँ पर मुझे 500 MB का भी रिकवर करने का ऑप्शन दे रखा है। इनका यू बैक इट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, 500 MB तक फ्री में रिकवर कर सकता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फोटो वीडियो डिलीट हो गई हो ना, 500 MB तक आप फ्री में रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा बड़ी फाइल्स रिकवर करनी है तो आपको कुछ पैसे देने होंगे। सबसे पहले इसका यूजर इंटरफेस दिखाऊँ ना, काफी सिंपल यूजर इंटरफेस है। सारी स्टोरेज और डिस्क वगैरह यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर आपको करप्टेड वीडियो रिपेयर करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, एनहेंस रिकवरी का भी ऑप्शन मिलता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अपना ये जो माइक्रो SD कार्ड लगा रखा है 4GB का, इसको मैं स्कैन करता हूँ। 51% स्कैनिंग हो चुकी है और स्कैनिंग चल रही है, लेकिन मुझे जो फोटोज वीडियो चाहिए थे और मेरी जो फाइल्स डिलीट हुई थी वो सारी अभी से इसने रिकवर कर दिया, मतलब दिखा रहा है। अब मैं इनको सेलेक्ट करके रिकवर कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे म्यूजिक डाल रखे थे, सारे म्यूजिक यहाँ पर दिखा रहा है। मैं सेलेक्ट करके इनको रिकवर कर सकता हूँ या फिर प्रीव्यू में चेक कर सकता हूँ फाइल को कि वो सही तरीके से वर्क कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर फाइल टाइप का भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप कैटेगरी के हिसाब से भी फाइल्स को देख सकते हो। वीडियो देखने आपको फोटोज देखने, जैसे फोटोज में मैं JPEG में जाता हूँ तो JPEG में मेरे जो फोटोज थे वीडियोस थे वो सारे यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे ये मेरे सारे फोटोज थे, एक बार मैं क्लिक करके प्रीव्यू देख लेता हूँ क्या ये वही फोटो है और सही क्वालिटी में है या नहीं। बिल्कुल सही तरीके से फोटो हमारा दिख रहा है। तो एक और फोटो को देख लेता हूँ, तो ये भी परफेक्टली दिख रहा है। मैं जूम करके देखूँ तो जूम करके भी क्वालिटी वही है जो मेरे ओरिजिनल फोटो की थी। तो मैं इसको रिकवर पर क्लिक कर लेता हूँ, लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ कहाँ पे मुझे रिकवर करना है। तो मैंने डॉक्यूमेंट वर्क में इसको रिकवर कर दिया है। अब मैं ओपन करता हूँ फोल्डर को, तो यहाँ पर मेरी जो फोल्डर्स थे और यहाँ पर मेरी जो फाइल्स थी वो सारी दिखा रहा है। और इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारा फोटो रिकवर हो चुका है सक्सेसफुली। और इनका जो वर्जन 12 आया ना नया, इसमें काफी सारे नए फीचर्स मिलते हैं जिसमें आप रॉ वीडियोस को रिकवर करते टाइम और भी काफी सारे फॉर्मेट्स ऐड करे गए और हाई क्वालिटीज में आप वीडियोस रिकवर कर पाओगे। इसके अलावा इनका एक गिव अवे भी चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके ना काफी सारे गिफ्ट्स जीत सकते हो, जैसे कि कैनन का कैमरा जीत सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो अगर आपका छोटा मोटा डेटा है ना, फोटोज वीडियोस या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो तो आप इस तरह से फ्री में रिकवर कर पाओगे। वैसे 100 MB तक फ्री मिलता है, लेकिन इनका अभी फिलहाल ये सिस्टम चल रहा है कि आपको 500 MB तक रिकवर कर सकते हो फ्री में। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा डेटा रिकवर करना है, ज्यादा साइज का रिकवर करना है, तो आपको एसेंशियल, स्टैंडर्ड और प्रीमियम इस तरह के इनके कुछ प्लान्स मिल जाते हैं, ये आपको परचेस करने होंगे। देखो बाकी जो प्लान्स हैं इन सभी में आपको अनलिमिटेड डेटा रिकवरी साइज का तो ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिलते हैं जो कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे कि प्रीमियम है, इसमें आप करप्ट वीडियोज को भी रिपेयर कर सकते हो। और बाकी जो है अलग अलग प्लान्स में आपको अलग अलग चीजें मिलती है प्लान के अकॉर्डिंग। और इनका भी जो लेटेस्ट वर्जन आया है ना, वर्जन 12, इसमें ना काफी सारे नए फीचर्स अपडेट करे गए हैं, जैसे कि टाइम मशीन डेटा स्कैन एंड रिकवरी का फीचर ऐड करा गया है जो कि मैक के लिए है सिर्फ। और बाकी जो इसमें आपको वीडियो सिनेरियो एक्सपेंशन का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें आप CCTV कैमरा वगैरह की वीडियोस रिकवर कर सकते हो, और जो आपके डैश कैम वगैरह होते हैं उसमें आप वीडियोस वगैरह रिकवर कर सकते हो। और इसके अलावा जो रॉ स्कैनिंग होती थी उसको भी ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, इस बार आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिलेगी रॉ स्कैनिंग में। इसके अलावा और भी काफी सारे फॉर्मेट्स ऐड कर दिए गए, जैसे कि HEIC ऐड कर दिया, HIF कर दिया, AVIF कर दिया, इस तरह से और भी काफी सारे फॉर्मेट्स ऐड कर दिए गए हैं। और इसके अलावा ना लार्ज कैपेसिटी डिस्क की स्कैनिंग को भी ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर जो रिकवरी होने वाली है ना उसको भी और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है उसकी क्वालिटी को, जैसे कि MP4 हुआ, MOV हुआ, इस तरह के और भी जो प्रोफेशनल फॉर्मेट्स है ना उनकी क्वालिटी को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज करा गया है। तो रिकवरी के टाइम पर काफी हाई क्वालिटी मिलने वाली है लेटेस्ट वर्जन के साथ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो। अगर आपका ज्यादा साइज है तो भाई आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपकी कोई फोटो वीडियो फाइल इस तरह से डिलीट हुई हो कि आपके दिल की धड़कन धक 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 बहुत तेज हो गई हो तो नीचे कमेंट में बताना। कैनन का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है ना उसमें पार्टिसिपेट कर लेना, आपको फ्री में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। खैर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए। वीडियो करप्ट हो गई और मेरी सारी वीडियोस आ गई, ओवर एक्टिंग हो गई।